सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो देयर इज अ गुड न्यूज फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ अस कि भाई अब हमारे पास एक और चांस आया है कि अगर हमारा गेट का रिजल्ट बिगड़ गया है तो देयर इज वन मोर चांस कि आप बार्क में एंट्री ले सकते हैं। अब बार्क में एंट्री लेने के आपके पास दो तरीके थे। पहला था गेट एग्जामिनेशन, जिसमें गेट के स्कोर कार्ड पे आपकी एंट्री होगी। सेकेंड तरीका है जो विदाउट गेट आपको एक एग्जाम अपियर करना पड़ेगा, जो बार्क अपना इंडिविजुअल एग्जाम कंडक्ट करता है। तो चलिए आइए देखते हैं कि बार्क अपने इंडिविजुअल एग्जाम को जो कंडक्ट करता है तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कैसे कैसे देखेंगे। ठीक है, तो मैं सबसे पहले, ये बार्क का होम पेज है जिसपे आपको जाना है, बार्क ऑनलाइन एग्जाम डॉट इन से। तो जैसे ही आप इस पे जाएंगे तो देयर इज सम इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो जो जो चीज आपको ब्रोशर में दी हुई है, जो जो आपके नोटिफिकेशन में, जो एडवर्टीजमेंट में आई है, वो सारी चीजों को मैंने यहाँ पे बायफरकेट दिया हुआ है, तो हम यहीं से बायफरकेट करके देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं एलिजिबल डिसिप्लिन, क्या हम एलिजिबल डिसिप्लिन में आते हैं। तो देखिए जरा यहाँ पे आपका कोड नंबर है 28, आपको याद रहना चाहिए ये, क्योंकि कई बार आगे इन्फॉर्मेशन देगा तो वो कोड के अकॉर्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन देगा। तो देखिए जरा यहाँ पे, तो कोड नंबर 28 के लिए जो उन्होंने बोला, सिविल इंजीनियरिंग इज एलिजिबल फॉर दैट। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स आर एलिजिबल फॉर इट। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसी में, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं कि व्हाट आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर इट। तो देखते हैं यहाँ पे, फॉर इंजीनियरिंग डिसिप्लिन अगर मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पे बोला है फॉर इंजीनियरिंग डिसिप्लिन अगर आपसे बात करी गई है, तो देखिए जरा यहाँ पे CE 28, मतलब हमारे सिविल के लिए भी दे रखा है ये। तो क्या होना चाहिए इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में, बोला BE, BTech, BSc। ठीक है, ये सब कुछ विथ मिनिमम 60% ऑफ एग्रीगेट मार्क्स इन दी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन। ठीक है, तो जो भी आपका इंजीनियरिंग डिसिप्लिन है, टेबल 1A में क्या बताया है, यही बताया है कि सिविल इंजीनियरिंग के आप स्टूडेंट है तो आपका 60% मार्क होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे उसके बाद और जो आपके काम की बात है वो बोला है यहाँ पे कि देखिए, एप्लीकेशन ऑप्टिंग टू बी कंसिडर्ड ऑन द बेसिस ऑफ गेट स्कोर मस्ट हैव अ वैलिड गेट स्कोर ऑफ गेट 20 एंड 21। ठीक है, तो उन्होंने बोला, क्या बोला है उन्होंने, कि उन्होंने बोला है अगर आप गेट स्कोर के कार्ड के आप ऊपर अप्लाई करना चाहते हो तो आपका जो गेट स्कोर कार्ड होना चाहिए वो गेट 20 या गेट 21 के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, ये बात तो हमारे समझ में आया। ये बाकी जो सारी चीजें आपके लिए कोई काम की नहीं है, मैंने पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लिया इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं आपको बताता हूँ तो देखिए जरा यहाँ से, यहाँ पे आपकी थोड़ी काम की चीज है, दैट इज ये जो बोला गया है, ये जो बोला गया है, मैंने बोला देखो जरा यहाँ पे एज लिमिट की बात करी गई है आपसे। तो एज लिमिट अगर आप बात करोगे 1 अगस्त 2021 तक, अगर आप केवल 26 ईयर्स के हैं, जनरल कैटेगरी के हैं, तो जनरल कैटेगरी की एज लिमिट है 26 ईयर्स। ओबीसी के लिए बोला है 29 ईयर्स, SC ST के लिए बोला है 31 ईयर्स, एंड डिपेंडेंट ऑन, ये बाकी सारी चीजें रैंडम है तो ये आप एक बार देख सकते हैं। तो ओबीसी के लिए 29 ईयर्स, SC ST के लिए 31 ईयर्स, और जनरल कैटेगरी के लिए 26 ईयर्स डेट दे रखी है। ठीक है सर, नेशनैलिटी इंडियन होना चाहिए, ऑब्वियसली नेशनैलिटी इंडियन होना चाहिए। उन्होंने बोला है कि अगर आप किसी गवर्नमेंट ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट सेक्टर में है तो वहां से आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। ठीक है, ये बात तो आपको समझ में आई होगी। एप्लीकेशन फीस की बात करेंगे तो एक नॉन रिफंडेबल फीस है 500 रुपीज, जो कि मेल एप्लीकेंट जितने भी होंगे उनको देना पड़ेगा। जनरल और ओबीसी कैटेगरीज के जितने भी मेल कैंडिडेट होंगे उनको 500 रुपीज पे करना पड़ेगा। लेकिन फॉर द वुमेन कैंडिडेट और कैंडिडेट हु बिलोंग टू SC ST, अगर आप वुमेन कैंडिडेट हैं या आप SC ST से हैं तो आपको कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं पे करना पड़ेगा। ठीक है, ये हुई बात किसके बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं इसी के बारे में और, देखिए जरा यहाँ पे क्या बोला है, ग्रेड पे की बात करते हैं। ऑब्वियसली हम तो सिविल इंजीनियर है, हम हमेशा चीजें प्रॉफिट एंड लॉस में देखते हैं, तो ग्रेड पे के हिसाब से बात करते हैं। तो अपॉइंटमेंट आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग इन ऑल यूनिट्स, तो आपको बोला है कि जो आपका ग्रेड पे रहेगा एज पर ग्रेड पे, लेवल 10 ग्रेड पे रहेगा, जिसमें 56,100 सेवेंथ पे कमीशन के हिसाब से आपको मिलेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे आपको लगेगा यार 56 तो बहुत कम है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ देखो मंथली इंक्रीमेंट जो आपको देखने को मिलेगा, जो आप इन दी एंड सब कुछ अगर मिला के बात करोगे, क्या क्या, जैसे कि हाउस रेंट अलाउंस, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, ठीक है, और DNS अलाउंस, और यहाँ पे बोला है मुंबई के हिसाब से, मुंबई के रेट के हिसाब से आपको देखेंगे तो इट इज एन अप्रोक्सीमेटली 95,000 रुपीज आपका सैलरी रहेगा, जिसमें ये सारी चीजें जितने भी अलाउंस है वो सारे इंक्लूड होकर मिलेंगे। ठीक है, इन एडिशन टू अदर अलाउंस सच एज, जैसे लीव ट्रैवल कंसेशन बाय एयर, ठीक है, तो आपको ट्रैवल कंसेशन मिलता है एयर के लिए एवरी ईयर फर्स्ट 8 ईयर सब्जेक्ट टू कंडीशन, एंड वंस इन 2 ईयर्स देयर आफ्टर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस भी मिलता है और प्रोफेशनल अपडेट अलाउंस भी मिलता है आपको। तो ये कुछ बहुत ही अच्छी चीज है, कॉन्ट्रेरी हेल्थ सर्विसेज में मिलती है। तो ये कुछ आपके बेनिफिट्स है जो आपको बार्क में जब ज्वाइनिंग हो जाएगा उसके बाद आपको देखने को मिलेगा। अब देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस को देखते हैं, तो व्हाट इज द सिलेक्शन प्रोसेस। तो उन्होंने बोला कि आपके लिए ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है OCES और DGFC के लिए, उन्होंने बोला ये 2 स्टेप प्रोसेस रहेगी। पहला होगा स्क्रीनिंग
और दूसरा होगा इंटरव्यू। ठीक है, स्क्रीनिंग में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है वही सेम तरीका रहेगा, और आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इस ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बारे में भी हम बात करेंगे अभी, तो देखते जाइएगा जरा। तो मैंने ना देखो जरा यहाँ पे, देखना जरा यहाँ पे क्या क्या बोला है। तो बोला है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑन 7 सितंबर 2021। ठीक है, सितंबर 2021 में उन्होंने डेट दे रखी है, अभी हम डेट भी देखेंगे। तो देखिए जरा ऑन द, ठीक है, तो उन्होंने बोला ये बात हुई क्या। एक और चीज बहुत अच्छी थी, मेरे को आपको बताना था, ये रहा। ठीक है, कैंडिडेट में नोट द फॉलोइंग। ठीक है, इसको देखना जरा। एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन कैंडिडेट कैन चूज एनी वन और बोथ ऑफ द अबाउट स्क्रीनिंग ऑप्शंस। तो जो आपके पास स्क्रीनिंग ऑप्शंस हैं, ये दो स्क्रीनिंग ऑप्शन है, OCES और DGFC। अब सर ये OCES और DGFC क्या है ये बताता हूँ, इसमें लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो OCES जो है आपका वन ईयर ट्रेनिंग प्रोग्राम है, और DGFC जो है आपका MTech प्रोग्राम है, जिसमें अगर आप इस एग्जाम में सिलेक्ट हो जाते हैं तो BARC will pay the stipend आपके लिए, और आपको किसी भी एक IIT से, जैसे IIT बॉम्बे बहुत प्रेफरेबल है, तो IIT से आपको मास्टर्स करने का चांस मिलेगा, और साथ में आप ये इनका इंटर्नशिप भी कर रहे होंगे। इन दी एंड जब आपका मास्टर्स कंप्लीट हो जाएगा, और अगर साथ में आपका ये भी कंप्लीट हो जाएगा विद 60% कुछ एग्रीगेट है, यहां से अगर पास हो जाते हो तो फिर आपको डायरेक्ट ट्रेनिंग के लिए बुला लिया जाता है BARC में। ठीक है सर, ये बात तो समझ में आया। तो यहाँ पे बोला है एज द कट ऑफ गेट स्कोर्स स्क्रीनिंग इन सिलेक्शन इंटरव्यू विल बी फाइनलाइज्ड आफ्टर द ऑनलाइन कंक्लूजन ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन। जो कट ऑफ डिसाइड होगा आपका, कट ऑफ जिन लोगों का गेट 21 का कट ऑफ आपके पास तो है स्कोर कार्ड, अगर आपका स्कोर कार्ड जो है अभी कट ऑफ डिसाइड होगा जब ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो जाएगी, उसके बाद कट ऑफ डिसाइड होगा। ठीक है, ये हुई बात। मैं और बात करते हैं, तो देखिए जरा यहाँ पे और क्या बात कर रखी है, देखिएगा जरा यहाँ पे। हाँ, सिलेक्शन इंटरव्यू, सिलेक्शन इंटरव्यू शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी कंडक्टेड इन मुंबई, मुंबई में कंडक्ट होगा आपका। ठीक है, और उसके बाद आपको जो फेयर है, मतलब जब आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन देने जाएंगे तब के लिए तो कोई भी फेयर आपको रिमबर्स नहीं किया जाएगा, लेकिन इंटरव्यू के लिए आपको फेयर जो रहता है वो रिमबर्स किया जाता है। ठीक है सर, ये बात भी हमारे समझ में आ गई। मतलब अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो इंपॉर्टेंट डेट्स देखते हैं यहाँ पे। तो बोला देखो जरा यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन कब आप फिल कर सकते हैं, तो 12th of July को आप ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका ओपन हो जाएगा विंडो, और कब तक फिल कर सकते हैं, बोला 7th of August तक फिल कर सकते हैं। तो 12th of July से 7th of August तक फिल कर सकते हैं। स्लॉट बुकिंग के लिए आपको टाइम दिया, देखो जरा यहाँ पे 20 to 25 August, मतलब एक बार अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सिलेक्ट हो जाता है तो फिर आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं कि कब आप एग्जाम देना चाहते करके। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो गई ये। ऑनलाइन एग्जामिनेशन कब होगा, बोला 5th to 12th September के बीच में आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट का लिस्ट आ जाएगा 21st September को। ठीक है, ये बात आपको समझ में आया। तो इसके बाद आपके पास आ जाएगा क्वालिफाइड कैंडिडेट का पोर्टल पे नाम पब्लिश हो जाएगा, और इंटरव्यू के लिए फिर यहां से कॉल आना चालू हो जाएगा। सिलेक्शन इंटरव्यूज 4th से 29th October के बीच में इंटरव्यू चलेगा, और फाइनल लिस्ट जो डिस्प्ले होगी वो 2nd week of November में होगी। ठीक है, तो फाइनल वी जो फाइनल लिस्ट आ जाएगी वो आपकी 2nd week of November में आ जाएगी। अब ये देखिए, लास्ट डेट सिलेक्टेड OCS कैंडिडेट डिजायरस ऑफ DGFC टू गिव डिटेल एमटेक और ये सब इंजीनियरिंग के लिए जो बात करी हम लोगों ने, मतलब इसका मतलब ये है कि अगर आप सिलेक्ट हो गए हैं और आप यहाँ पे DGFC में जाना चाहते हैं, DGFC बोले तो वही आपका जो एमटेक प्रोग्राम है, तो वो कब तक आ जाएगी लिस्ट आपकी, 3rd week of November तक आ जाएगी। ठीक है, और उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट्स, ठीक है, जो DGFC के लिए सिलेक्ट किए गए हैं, आपके मास्टर्स प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट करे जाएंगे, दैट टू फ्रॉम 30th November 2021 तक सिलेक्ट किए जाएंगे। तो देखिए कितना फास्ट प्रोसेस है कि जुलाई 12th को आपने फॉर्म फिल किया और 30th November तक आपको पता चल गया है कि नाउ यू आर इन टू BARC, और अब आप आगे जाके BARC के लिए काम करने वाले हैं। क्या तो परफेक्ट चीज है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोगों को इसी चीज पर फोकस करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। इंपॉर्टेंट डेट्स बता दी, मैं आपको बताता हूँ एक और कुछ चीज बताना थी मेरे को अबाउट ऑनलाइन एग्जाम्स। यस, ऑनलाइन एग्जाम्स की किस टाइप का पेपर पैटर्न होता है और आपको कैसे प्रिपरेशन को आपको कंटिन्यू करना है। तो यहाँ पे देखिए, ऑल क्वेश्चंस ऑनलाइन एग्जाम पैटर्न की बात कर रहा हूं मैं, तो ये CBT रहेगा, वही आपका थ्रू माउस आपको फिल करना रहेंगे क्वेश्चंस। यहाँ पे बोला ऑल द क्वेश्चंस ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन आर ऑब्जेक्टिव टाइप। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे, सिर्फ एक आंसर सही रहेगा, कोई MSQ नहीं रहेगा। हर ईच करेक्ट क्वेश्चंस फेच 3 marks, तो 3 नंबर मिलेंगे एक करेक्ट ऑप्शन के, और 1 नंबर पेनल्टी, नेगेटिव मार्किंग जो है वो -1 mark है। ठीक है, ये बात समझ में आई हमको। कितने क्वेश्चन रहेंगे सर, तो बोला यहाँ पे 100 क्वेश्चन रहेंगे। द क्वेश्चन आर डेजिग्नेटेड टू गुड कैंडिडेट विल बी एबल टू 100।
ठीक है, 120 मिनट का पेपर रहेगा और 100 क्वेश्चन रहेंगे, 120 मिनट का पेपर रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे और हर क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा, नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क्स रहेगा। ठीक है, सिलेबस की बात करते हैं अगर हम, तो यहाँ देखिएगा जरा, सिलेबस ऑफ द ऑनलाइन एग्जामिनेशन इज स्पेसिफिक टू इंजीनियरिंग डिसिप्लिन। ठीक है, तो इंजीनियरिंग डिसिप्लिन ही रहेगा, मतलब कोई भी आपका ऐसा कुछ भी रैंडम नहीं आएगा, आपसे इंजीनियरिंग डिसिप्लिन की बात की जाएगी। क्या सर कोई जनरल नॉलेज जनरल इंग्लिश की बात की जाएगी? तो देखो उन्होंने मेंशन किया है, जनरल इंग्लिश जनरल नॉलेज एप्टीट्यूड एक्सेट्रा आर नॉट असेस्ड। ठीक है, तो आपसे जनरल इंग्लिश जनरल नॉलेज या एप्टीट्यूड कुछ भी नहीं पूछा जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो जनरल इंस्ट्रक्शन देखते हैं, तो आपको बात समझ में आएगी कि आपको किस टाइप की प्रिपरेशन को फोकस करना है। तो देखो जरा यहाँ पे, ऑल द क्वेश्चंस एंड इंस्ट्रक्शन ऑफ द टेस्ट विल बी इन इंग्लिश ओनली। ठीक है, पूरे क्वेश्चंस जो रहेंगे वो इंग्लिश रहेगा, बायलिंगुअल नहीं रहेगा। दूसरी बात इन्होंने करी है कि यहाँ पे कैंडिडेट शुड ब्रिंग अ पेन फॉर द पर्पस ऑफ रफ वर्क, रफ वर्क के लिए पेन लेके जाना है आपको। ठीक है, एक्सेट्रा, यहाँ पे ब्लैंक शीट आपको वहीं प्रोवाइड की जाएगी इफ रिक्वायर्ड। ठीक है, कैलकुलेटर एंड लॉगरिथमिक टेबल्स आर नॉट अलाउड इन द टेस्ट सेंटर्स। तो कैलकुलेटर आपको अलाउड नहीं है, इसका मतलब आप ये समझ जाइए कि गेट के लेवल से थोड़ा सा लेवल नीचे आने वाला है पेपर का। ठीक है, तो कैलकुलेटर अलाउड नहीं रहेगा, बट उन्होंने साथ में एक और चीज बोल दी है, ध्यान से सुनना, कि आपके AEJEE के पेपर के लेवल से ज्यादा रहेगा और आपके गेट के पेपर के लेवल से कम रहेगा। कैसे पता चला सर ये? मैंने देखो जरा यहाँ पे क्या बोला, कैंडिडेट आर नॉट अलाउड टू ब्रिंग एनी, ये तो नहीं यहाँ था, एक सेकेंड, मैंने यहाँ पे कहीं पढ़ा था आप लोगों के लिए, हाँ वहां पे ये लिखा हुआ था कि ना वो लोग चाह रहे हैं कि आपको चीजें, ये रहा, ठीक है, द क्वेश्चंस आर इंटेंडेड टू असेस ऑन द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट इन द एरिया ऑफ इंजीनियरिंग डिसिप्लिन। ठीक है, सिलेक्टेड बाय द कैंडिडेट। तो इन्होंने बोला ये आगे बोला, देखो जरा यहाँ पे, इम्फेसाइज वुड बी, क्या उनका मेन फोकस क्या रहेगा, बार के एग्जाम का मेन फोकस क्या रहेगा? तो उन्होंने बोला, एम्फेसाइज वुड बी मोर ऑन द नॉलेज एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी रेदर देन ऑन मेमोरी ऑफ द कैंडिडेट। इसका मतलब है कि ये कभी भी आपसे बहुत रटे रटाए क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, इसका मतलब है आपसे बेसिक न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे, आपसे रटे हुए क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाएंगे, जो आप AEJEE के एग्जाम में करते हो कि बहुत सारे थ्योरी क्वेश्चंस को आप देख लेते हो, तो बहुत सारे थ्योरी क्वेश्चंस ना होके आप लोगों से जो पूछा जाएगा वो प्रॉब्लम किस पे बेस्ड होगा, बोला वो प्रॉब्लम बेस्ड होगा आपका किसके ऊपर, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक पे बेस्ड होगा, वो रटे हुए क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस नहीं करेगा। और 120 मिनट में अगर 100 क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो ऑब्वियसली वो आपसे न्यूमेरिकल पूछेगा, बट बहुत ज्यादा टफ न्यूमेरिकल नहीं पूछेगा जैसे कि गेट में बात होती है। तो मेक श्योर आपको पता रहे लेवल किस टाइप का, लेवल ऑफ पेपर क्या आता है, और फिर इसी तरीके से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आई होगी। तो दिस इज द राइट अपॉर्चुनिटी, आप लोगों को इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल ग्रैब करना चाहिए, क्योंकि सबसे जल्दी आप इस चीज को ग्रैब कर पाएंगे और ये सबसे पास में होने वाला है आपके लिए। ठीक है, टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल।